नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हम लोग हैं राजा जी पुरम में, जहां पे रजनी यादव महिला संगठन किस तरीके से कार्य करता है महिलाओं के लिए और कब से कार्य कर रहा है, ऐसे कुछ सवालात हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो हंगामा टाइम न्यूज एजेंसी की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंग हंगामा टाइम्स के संग में आज हमारी पहली बातचीत में है रजनी यादव, जो एक महिला संगठन की अध्यक्ष हैं। तो उनका हम स्वागत करते हैं अपने हंगामा टाइम न्यूज चैनल में। और इस होली में क्या विशेष कर रही महिलाओं के लिए और महिलाओं के लिए कब से कार्य कर रही, आइए चलते हैं उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हंगामा टाइम न्यूज चैनल में। तो मैम, पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपका जो संगठन है वो कब से कार्य कर रहा है? साल से राजा जी पुरम में कार्यरत है, सक्रियता के साथ। जो भी महिलाएं पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनके लिए है। और जो भी महिलाएं समाज के लिए महिला संगठन में आती हैं और महिला संगठन में आकर अपने परेशानियों को बताती हैं, महिला संगठन जांच के आधार पर उसको सुनता है और तभी उनके लिए कार्य करता है। महिलाओं का संगठन बेसिकली सामाजिक महिलाओं के लिए ही नहीं है, समाज के उन धर्म जाति सभी वर्ग जातियों के धर्म जातियों के लिए। यानी कि आपका संगठन सिर्फ महिलाओं के लिए कार्य नहीं कर रहा है, समाज के हर क्षेत्रों में और हर वर्ग के लिए, हर लोगों के लिए कार्य कर रहा है। हमारा संगठन जांच के आधार पर वर्क करता है, अगर बात में सत्यता है तभी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो काम छोड़ देते हैं वहीं पे। तो महिलाओं की किस तरीके की जैसे समस्या होती है वो आप हल करते हैं? महिलाएं जो पारिवारिक रूप से ससुराल से परेशान है, समाज से परेशान है, उन्हीं के लिए लगता है और उनको कहीं ना कहीं कानूनी अधिकार और न्याय दिलाने का कार्य करता है। तो कब से आपका संगठन कार्य कर रहा है? हमारा महिलाओं का संगठन 5 साल से कार्य कर रहा है और कार्य के दौरान कुछ चीजें आई हैं महिलाओं को लेकर भी। जो महिलाएं आती हैं वो कहीं ना कहीं कहती हैं कि हम व्यक्ति विशेष इन सब चीजों से परेशान है, जांच के आधार पर ऐसा नहीं पाया जाता है। महिला संगठन उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का भी प्रयास करता है कि अभी हाल ही में आज से 8-9 महीना पहले एक महिला आई जो अपने को सरकारी कर्मचारी बताया और वो कहीं ना कहीं अपने ससुराल से प्रताड़ित थी। जब हमारे लोगों ने जांच किया तो वो उन्होंने न्यायालय में चल रही उनके वाद को वाद से शादी कर ली और शादी के दौरान बताती हैं कि अब मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। महिला संगठन उनके लिए अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा उनके प्रशासन में जाके, जहाँ पे वो कार्यरत हैं और न्यायपालिका में। तो लखनऊ सिर्फ उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में ही कार्य कर रहा है कि अन्य जिलों में भी आपका संगठन कार्य कर रहा है? हमारा संगठन लखनऊ जिले क्या सभी जिले में हमारा कार्य का कार्य के बारे में सभी को पता है कि हमारा महिला संगठन एफबी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से किस तरह से वर्क कर रहा है और लोग जुड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। बस पहले तो हमें लखनऊ की सफाई करनी है, फिर और जिलों की। तो ये वजह सरकार बहुत सारे महिलाओं के लिए कानून बनाती है, सुविधाएं बनाती है, जैसे आत्मनिर्भर भारत बनाया उन्होंने, प्लस मिशन शक्ति का उन्होंने उद्घाटन किया। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे जो सरकार बढ़ावा देती है महिलाओं के लिए और देशवासियों के लिए, तो सिर्फ एक योजना बनाने से कार्य हो जाता है कि कार्य करते करते कभी भी किसी भी योजना को आप बनाते हो तो वो आपको एक कहते हैं ना कि आपने इस योजना के अंतर्गत आपने चीजों को फेमस कर दिया। मिशन शक्ति का सवाल रहा, क्या घर घर जाके आप जांच करते हो? अगर एक महिला थाने पे जाके प्रार्थना पत्र देती है तो क्या दूसरे पक्ष को बुलाते हो? तुरंत आप मुकदमा करते हो। मुकदमा करने के बाद में जब महिलाएं कोर्ट में जाती हैं तो क्या उनको न्याय मिलता है? क्योंकि उनके पास जब उनको गरीब है, पीड़ित है, असहाय है, जब उनको देने के लिए पैसा नहीं, अधिवक्ताओं को उनको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, तो कैसे उनको न्याय मिलेगा? ऐसा मिशन शक्ति तो मुझे समझ में नहीं आती। तो आप क्या करती हैं ऐसी महिलाओं के लिए? ऐसी महिलाओं को बस यही चाहिए कि भाई अपनी बात को रखें और अपने अधिकारों की मांग करें। तो रजनी जी, ये बताइए कि आपने बताया आपका संगठन 5 सालों से कार्य कर रहा है, अभी तक आपके संगठन में कितने पदाधिकारी जुड़ चुके हैं और कितने आम जनता जुड़ी हुई है? हमारे पास लगभग लखनऊ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या जुड़ी हुई है लोगों की और काफी पदाधिकारी भी जुड़ चुके हैं और कार्य कर रहे हैं सब अपने अपने क्षेत्र में। हमारे संगठन में हर क्षेत्र में, हर वार्ड में अब जन सुनवाई केंद्र भी बन रहा है और कहीं ना कहीं महिलाएं आगे चढ़कर, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही कि रजनी यादव महिला संगठन से जुड़ना चाहिए और आगे से आगे महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। अभी हाल ही में हमारे महिला संगठन की मजबूती को देख के हमारे यहाँ कुछ गुजराती समाज के लोग आए हैं
और अपने अपने समाज के लिए, अपने समाज की महिलाओं के हित के लिए आगे बढ़ने के लिए महिला संगठन से जुड़े हैं आपका लता सोलंकी जी और आनंद सोलंकी जी, यानी कि दो नए पदों की नियुक्ति हुई है। तो हम उनसे भी पूछेंगे कि आखिर इस संगठन में जुड़ के वो कैसा लग रहा है। चलते हैं उनकी तरफ रुक कर। तो ये बताइए लता जी कि इस संगठन में जुड़ करके आपको कैसा लग रहा है? इस संगठन में जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी बात रजनी यादव और राहुल सर से बहुत बड़ी प्रेरणा मिली कि मुझे आगे बढ़ने का एक मौका मिला है, और अपने जाति जैसे गुजराती लोग है या से भी कुछ अलग हो जाती, सबके लिए मैं आगे वर्क करना चाहती हूँ पूरे ईमान से अपने, क्योंकि यहाँ पे होती समस्या की बात, क्योंकि संगठन बनाए जाते हैं तो समस्याओं के समाधान के लिए और शोषण के समाधान के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ जाति वर्ग नहीं देखा जाता कि आपकी जाति के अगर लोग आएंगे तो आप मदद करेंगे, अन्य जाति के लोग आएंगे तो मदद नहीं करेंगी। नहीं, मैं सब जातियों के लिए मदद करूँगी, सबके लिए कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छा मैं काम करूँ। तो क्या सोच करके आप इस संगठन में जुड़ी, आगे महिलाओं के लिए किस तरीके से कार्य करेंगी, थोड़ी अपनी विचारधारा हमारे साथ बांटिए। आगे मैं यही अपनी विचारधारा आपसे बताना चाहती हूँ, जैसे पीड़ित महिलाएं होती है या इसके अलावा चाहे पुरुष भी समझ लीजिए, मैं सबके लिए आगे बढ़ के जितना मेरे से होता है मैं करना चाहती हूँ कार्य, और सबसे बड़ी बात सबसे ज़्यादा शेयर में तो रजनी यादव जी को ही देना चाहती हूँ और राहुल सर को, जो इतनी बड़ी प्रेरणा बने हम लोगों के लिए, वरना हम लोग को क्या है बिजनेस करना, घर में सो जाना, खाना बस यही का, इनसे बढ़ने का हमको आगे मौका मिला और आगे भी हम इन्हीं के लिए करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो आनंद जी ये बताइए कि महिलाओं का संगठन है तो महिलाओं के संगठन में जुड़ करके एक पुरुष के नाते आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे रजनी यादव और राहुल सर के लिए बहुत बहुत बधाई हो, और उनके लिए मतलब आगे उन्होंने बताया कि कुछ समाज की सेवा के लिए तुम कुछ करना चाहते हो, तो हमने बताया सर आपसे जुड़ना चाहते हैं, और हमारा ऐसा समाज है जो गुजराती समाज है कि आगे बढ़ के उनके लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी हम करना चाहते हैं ये सब। फिर उसके बाद ये होता है कि रजनी यादव जी के लिए बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने हमको साथ में रख के आगे कार्य करने के लिए बताया। संगठन तो बहुत बने हैं देश में, समाज में बहुत सारे संगठन बने, समाज की सेवा के लिए लोग कार्य करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके धरातल पर देखा जाता है तो कार्य बहुत कम नजर आता है, चाहे पार्टी हो चाहे संगठन हो, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो मैम ऐसे बातें मतलब कि कुछ लोग सुनवाई सुनते कुछ लोग नहीं सुनते, और ये होता है कि महिला पीड़ित जो होती है उन लोग के लिए मतलब बेचारी गली गली इधर उधर भटक के ये होता है कि मतलब वो बताने लगती है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं देखी जाती, तो आगे बढ़ के कोई हमारे सुनने वाला नहीं है। तो ऐसा है रजनी यादव मैडम ने बताया कि आप ऐसा करिए और आपके समाज को आगे बढ़ाइए। तो रजनी यादव जी, आपके संगठन की जो मजबूती से कार्य करा पदाधिकारियों से हमने बात करी, उन्हें बताया किस तरीके से वो इस संगठन में जुड़े हैं और कार्य कर रहे हैं। तो हर चौकी पे हर थाने पे एक महिला डेस्क बनाया गया ही है, और हाल ही में वहाँ पे समस्या भी जन सुनवाई भी होती है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ महिला डेस्क बनाने से महिलाओं की समस्या का समाधान हो जाता है? जब भी कोई भी पीड़ित थाने में जाता है और महिला डेस्क जो बनाई गई है डेस्क के दौरान अपना प्रार्थना पत्र देता है, ना ही जांच होती है ना ही दूसरे पक्ष से बात होती है, उसके दौरान जो भी वहां पे महिलाएं होती हैं वो ना उनको अनुभव है कि इस समस्या में इन चीज़ों के दौरान हम बात करें, वार्तालाप करें, बीच का कोई रास्ता निकाले, किसी का घर बनाए ना करते हुए सीधे 498 का मुकदमा करती हैं, जो कि वो मुकदमा तैयार होता है आगे बढ़ता है जिसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। मुझे उन महिला हेल्प डेस्क पे महिलाओं से अनुरोध है कि बीच का सामाजिक रास्ता निकालें और सामाजिक रास्ता के दौरान काउंसलिंग का पात्र बनाइए जिससे दोनों पक्ष को समझा के परिवार को एक होने का मौका दे। तो रजनी जी, चलते चलते ये बताइए, इस होली पर्व जो आ रहा है हमारा, तो इस पे सभी देशवासियों क्या कहना चाहेंगे? होली का पर्व रीति रिवाज का पर्व है, धर्म किसी भी धर्म जाति विशेष का नहीं है, सभी धर्म जाति का है, और सभी भारत देश के सभी समाज के वर्गों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
तो ये थी हमारे साथ में रजनी यादव महिला संगठन से, जो कि यहाँ की अध्यक्ष हैं महिला संगठन की। तो इनकी विचारधारा आपने सुनी, जिस तरीके से होली पर्व पे हंगामा टाइम विशेष कर रहा है, कुछ विशेष खास सकते तो बात करके कि किस तरीके से वो अपने समाज के लिए और अपने संगठन के लिए कार्य कर रही हैं। कोविड 19 भी बढ़ रहा है, कोविड के दौर चल रहा है, जिसके चलते आपको सुरक्षा निर्देश सारे चीज़ को पालन करना पड़ेगा और त्यौहार जो आ रहा है उसको सुरक्षा के साथ सुरक्षित तरीके से मनाना होगा। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत चाहूंगी, धन्यवाद।